सो गाइस, विंटर का सीज़न आने वाला है और विंटर के सीज़न के लिए मैंने मीशो से कुछ शॉपिंग की है। तो दोस्तों, क्या क्या आप मीशो से बाय कर सकते हैं विंटर के लिए और दोस्तों क्या कुछ क्वालिटी मिलती है उनकी और करेंगे उनका ऊपर रिव्यू, क्या आपको मीशो से शॉपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, तो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें गाइस, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यार वीडियो भी नहीं आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ मीशो के बारे में। मीशो एक रीसेलिंग एप्लीकेशन है और दोस्तों मीशो से आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, विंटर के लिए मैंने सबसे पहले जो बाय किया है वो क्या है, ये स्वेटर, जो कि काफ़ी अच्छा स्वेटर देखने को मिलता है आपको मीशो के ऊपर। ये ग्रे कलर के साथ आपको ब्लू कॉम्बिनेशन में वाइट कलर की लाइनिंग के साथ काफ़ी अच्छा स्वेटर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी लुकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहनने के बाद कैसी लुकिंग देखने वाली है। अगर बात करें तो दोस्तों, पीछे की तरफ भी आपको सेम कलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ग्रे कलर, उसके बाद नेवी ब्लू कलर के साथ दोस्तों वाइट कलर की लाइनिंग आपको पूरे ही इस स्वेटर पर देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर जो स्लीव है इसके ऊपर भी इसी प्रकार की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अगर इसकी साइज़ की, तो दोस्तों ये डबल एक्सल साइज़ देखने को मिलता है आपको मीशो पर, कोई भी साइज़ देखने को मिल जाएगी। एल, एम, एस, एक्सल और डबल एक्सल सारी साइज़ अवेलेबल है वहाँ पर इस प्रोडक्ट की। और दोस्तों बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें ऊन मिक्स पॉलिस्टर का यहाँ पर बाहर की तरफ जो कपड़ा यूज़ किया है, ऊन मिक्स पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कपड़ा है और आपको सर्दी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देने वाला कपड़ा इसके अंदर यूज़ किया गया है। बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जिप दी गई है, आप इसके जिप के द्वारा ऑन और यहाँ से खोल भी सकते हैं और दोस्तों अच्छे से आसानी से जिप से पहन भी सकते हैं। जिप खोल के अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो दोस्तों आपको ऊन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ी लो क्वालिटी का यूज़ किया गया है, बट दोस्तों अगेन जस्टिफिकेशन के साथ हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस ही के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऊन इसके अंदर यूज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करूं इस स्वेटर की, तो काफी अच्छा स्वेटर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी अगर प्राइस की बात कर लें अपन, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है अंडर 500 के अंदर मेरे को ये मिला है मीशो से। तो दोस्तों काफी अच्छा स्वेटर देखने को मिलता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैंने प्रोडक्ट कोड नंबर दे रखे हैं, उस कोड से आप ये स्वेटर बाय कर सकते हैं मीशो से। और गाइस, बात करते हैं अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैंने मंगवाया है मीशो से ही। वो है दोस्तों एक हुडी, जो कि आपको कुछ इस कलर में देखने को मिलती है, नेवी ब्लू के साथ दोस्तों आपको रेड कलर का कॉम्बिनेशन, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर वाइट ग्रे का मिक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी लुकिंग देता है। पहनने के बाद क्या लुकिंग बनती है यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोज़ के अंदर। उसके बाद बात करें इसकी साइज़ की, तो दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने डबल एक्सल बाय किया है, क्योंकि दोस्तों सारे प्रोडक्ट में डबल एक्सल पहनना पसंद करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको साइज़ चाहिए छोटी या इससे भी बड़ी, तो सारी साइज़ आपको मीशो पे मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कॉटन मिक्स वाला जो ऊन है वो ऊन इसके अंदर यूज़ किया गया है। और दोस्तों अंदर की तरफ भी आपको यहाँ पर ग्रे कलर का कपड़ा देखने को मिलता है इस हुडी की कैप के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्लीव के ऊपर, तो स्लीव पूरे आपको नेवी ब्लू कलर की देखने को मिलती है, दोनों ही स्लीव आपको नेवी ब्लू कलर की देखने को मिलती हैं। और दोस्तों पीछे की तरफ बात करें तो सेम नेवी ब्लू प्लस आपको रेड कलर के साथ वाइट और नेवी ब्लू के साथ वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्लीव पर आपको ग्रिप दिए गए हैं, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर फिट रहेगा, और फिट रहने से आप जब भी बाइक स्कूटी वगैरह ड्राइव करते हैं तो दोस्तों हवा अंदर की तरफ नहीं जाती है। दोस्तों दोनों ही स्लीव के ऊपर दिया गया है, और दोस्तों नीचे की तरफ भी आपको ये ग्रिप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पहनने के बाद इसको अंदर की तरफ आप फोल्ड कर सकते हैं और काफ़ी गजब का लुक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसकी बात की जाए तो काफ़ी अच्छी हुडी देखने को मिलती है अंडर 500 रुपीज़ के अंदर। तो दोस्तों इसकी प्राइस के लिहाज से दोनों ही जो स्वेटर्स हैं, एक ये हुडी और ये स्वेटर, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही आप बाय कर सकते हैं मीशो से। मैंने दोनों ही की प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप बाय से कर सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो बने आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।